था, एक बयान सुना था जिसमें आपने कहा था कि किसी कोई एक व्यक्ति था जो आपका शुभ चिंतक था, वो चाहता था कि आपके अंदर तमाम सारी क्षमताएं, प्रशासनिक क्षमताएं हैं, राजनीतिक क्षमताएं हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं आपकी मदद कर सकता हूं प्रशासनिक क्षमता में, मैं आपको कोई बेहतर पोजिशन दे सकता हूँ, आपने मना कर दिया। ईश्वर ने कुछ और रच रखा है। वो तो बहुत पुरानी बात है, वो डिप्टी कलेक्टर का विषय था। उन्होंने कहा कि आप अगर MPPSC दे दोगे तो वो चेयरमैन थे, तो उन्होंने कहा मैं आपको डिप्टी कलेक्टर बना सकता हूँ। मैंने कहा भाई तुम डिप्टी कलेक्टर तो बनाओगे लेकिन मैं नौकरी करने के लिए नहीं हूँ, मैं मेरे मन में आता है तो मैं अपने काम करते हुए जो मेरे को करना मैं वो करूँगा, लेकिन ऐसे थोड़ी 25-26 साल की उम्र थी, ज़्यादा उम्र भी नहीं थी हमारी। मैंने कहा ये आप मेरे को क्या डिप्टी कलेक्टर बना, ये IAS अधिकारी मेरे हाथ के नीचे काम करेंगे। और ऐसा ही हुआ। परमात्मा की लीला ही में ये आभास क्या महाकाल की नगरी से महाकाल से आया या ऐसा महसूस हुआ? ये तो मैं कुछ नहीं जानता, लेकिन कभी कभी ईश्वर निकाल देता, लेकिन मैंने उनसे माफी भी मांग ली कि आपका मन अच्छा है, मेरे को आपने अच्छे भाव से बताया, मेरे को नहीं बोलना चाहिए, लेकिन वो से निकल गया। ये अलग बात थी कि जब मैं UDA चेयरमैन रहा तो एडिशनल कलेक्टर मेरे यहाँ CEO करके काम करते थे जी। लेकिन जब मैं टूरिज्म का चेयरमैन बना, जब हरिरंजन राव वगैरह, पंकज राग ये मेरे MD बने थे, उस दरमियान वो मेरे पास लगभग 15 साल का गैप हो गया था। वो आए मेरे पास, मेरे को बधाई भी दी कि तुम्हारा कॉन्फिडेंस अच्छा था। उनको ये देख कर सुख था कि मेरे MD IAS अधिकारी, IAS अधिकारी थे। वो है क्योंकि मुझे भी, मैं 2003 से मध्य प्रदेश को कवर कर रहा हूँ, तमाम मुख्यमंत्री उनको देखा, मैंने कभी आपको एक्टिव नहीं देखा, मैंने आपको कभी दिल्ली में उस तरीके से लॉबिंग करते नहीं देखा, और यदा कदा आप टकरा गए तो मैंने उस तरीके से, जिन लोगों की ख्वाहिश होती है और उस तरीके से मेहनत होती है, लेकिन तीसरी पंक्ति में बैठे हुए व्यक्ति को अगर पार्टी ने मुख्यमंत्री बना दिया तो इसे आप क्या कहेंगे? क्या पार्टी को भरोसा था डॉक्टर मोहन यादव पर कि नहीं, प्रदेश को जिस शख्सियत की जरूरत है, चाहे वो प्रशासनिक दृष्टि से हो, राजनीतिक दृष्टि से हो, वो यही चेहरा है? देखिए ये हमारी पार्टी की विशेषता है कि काम करने वाले लोगों को लगातार वो अपनी निगाह में रखते हैं, उनका ऑब्जर्वेशन करते रहते हैं, और एक दिन का नहीं होता ये। और मोदी जी तो कतई नहीं करते हैं, उनकी तो बहुत लंबी रिसर्च होती है, सर्च होती है। और हमारी पार्टी में सामूहिक नेतृत्व की विशेषता है, तो सब लोगों का अपना अपना अनुभव होता है। मैं नहीं समझ सकता हूँ कि क्या क्या किया होगा उनने, मेरे को मालूम भी नहीं है। और हमारे यहाँ ऐसे कोई प्रयास करेगा तो उसका नंबर लगता भी नहीं है, मैं जानता हूँ। लेकिन ये सत्य है कि मैं UDA में रहा, उज्जैन विकास प्राधिकरण, लगभग 8 साल मैंने वहाँ काम किया, राज्य मंत्री का दर्जा भी था, मुझे शिकागो में निर्माण कार्यों को लेकर के स्कान इंटरनेशनल से अवार्ड मिला, महात्मा गांधी फाउंडेशन से अवार्ड मिला, बाद में मैं MP टूरिज्म कॉरपोरेशन का चेयरमैन रहा, तब 2 बार हमारे अपने कॉरपोरेशन को राष्ट्रपति से पुरस्कार मिला, बाद में भी ऐसे कई मौके आए, पुरस्कार वगैरह तो लेते रहते हैं लेकिन काम करके भूल नहीं क्या देते, काम करा और भूल गए। और ये जैसे हमारे यहाँ एजुकेशन पॉलिसी लागू करनी थी, एजुकेशन मिनिस्टर था तो हमने लागू करी अपनी पॉलिसी और देश में सबसे पहले लागू की, लेकिन कोई अवार्ड लेने के लिए ऐसा कोई मन में आता नहीं। पर अपने आप जिनको अच्छा लगता है, जो इन काम को पसंद करते